Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. अद्भुत है इसका सौंदर्य, नेत्र नहीं हट रहे हैं इस देवी से। ये क्या हुआ इसे? कहीं हमारे लिए कोई संकट तो उत्पन्न नहीं हो रहा? पाप दृष्टि में हो अथवा कर्म में, उसका विनाश अवश्य होगा। माँ, क्या हुआ माँ? माँ इतनी क्रोधित क्यों है? माता का ये उग्र रूप। माँ, अरे पुत्र तुम लौट आए। और आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? नंदी जी, स्वामी के लिए फल मैं ले आई हूँ, आप सभी अपने कार्य कीजिए। जो आज्ञा माता। स्वामी, ध्यान से पूर्व आप ये फल ग्रहण कीजिए। अकारण तो कुछ नहीं घटता, इस घटना का भी कोई कारण तो अवश्य है, कुछ ना कुछ तो अवश्य हुआ है, अन्यथा माँ का इतना ऊंचा स्वर क्यों हुआ? कहीं ये किसी भावी संकट का संकेत तो नहीं? संकट है, अवश्य संकट है, हमें यहां से भाग निकलना चाहिए। निकल चलें। नहीं, इसने हमारा आखेट गवाया है और अब ये हमें भयभीत करने का प्रयास कर रही है, किंतु इतनी सरलता से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसे यहीं मंडरा कर सताएंगे। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर ये चिंता की रेखा क्यों उभर आई? माँ, हम तो आपको लेकर ही चिंतित हैं। आप कुशल तो है ना? क्यों कुशल नहीं होंगी मैं? मुझे क्या हुआ है, सर्वथा कुशल हूं मैं। चलो तुम दोनों भी शीघ्र जाओ, मैं तुम दोनों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। मेरी चिंता अभी भी दूर नहीं हुई, मैं माँ को लेकर अभी भी चिंतित हूँ। कुछ तो है जो उचित नहीं है, मुझे माँ को लेकर भैया से बात करनी ही चाहिए। भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है, आपने माँ। हाँ गणेश, चिंतित तो मैं भी हूँ, किंतु मुझे माँ को बताने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मुझे दक्षिण की ओर प्रस्थान करना ही होगा। ओ, मैं तो भैया से माँ को लेकर चिंता व्यक्त करने जा रहा था, किंतु वो तो अपनी चिंता की ही बात करने लगे।
मैं भैया से बात करने का एक और प्रयास करता हूँ। भैया 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 वो बात नहीं है, मैं तो आपसे ये कहने जा रहा था कि पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, कहाँ रह गए तुम दोनों? माँ से कैसे कहूँ कि अब मेरा जाना आवश्यक है? भैया तो अपनी ही चिंता में डूबे हैं, फिर मैं अपनी चिंता किससे कहूँ? तोतला जी, दी माता, आप कुछ मिष्ठान का प्रबंध कीजिए। दी माते, अभी लाया। चलो पुत्रों, अब भोजन प्रारंभ करो। हाँ माँ। माँ अभी तो पूर्ण रूप से सामान्य है, फिर तब क्या हुआ था? इसके पीछे क्या कोई रहस्य है? क्या कोई संकट है जो अचानक अपना मुख उठाएगा? माँ, भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया, किंतु माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। यही मंडराएंगे हम दोनों जब तक हमें हमारा आखेट ना मिल जाए। आपने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आप सुन रही हैं ना माँ? माँ पुनः शांत हो गई। माँ क्या हुआ? माँ माँ आप कोई उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं? उत्तर तो अवश्य प्राप्त होगा, कठोर उत्तर, मृत्यु का उत्तर प्राप्त होगा। माँ ये क्या कह रही हैं आप? माँ, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? भोजन के स्थान से ऐसे नहीं उठते। चलो तुम दोनों अपना स्थान ग्रहण करो, मैं तुम्हारे लिए शीतल पेय का प्रबंध करती हूँ। भैया आपने भी देखा और सुना ना, ये माँ को क्या हो रहा है? गणेश, हमें भोजन समाप्त कर पिताश्री से बात करनी चाहिए। अले माते माते, ये दीदी माते देता बनाया तीतल पे। देवी कभी तो बाहर आओगी तब हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। लॉर्ड
रक्तपान। माते ये हत्या ते नहीं माते, यदि मुझसे तू अपलाज हुआ तो मुझे तमा दले माते। तोतला जी, पेय आपके हाथों से गिर भी गया तो इसमें इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं आप? कोई बात नहीं, अच्छा ही बना होगा और सबको भाएगा भी। जाइए और लेकर आइए। नहीं मत। माता क्या दे रही थी? लक्तपान, इतना लक्तपान। माँ, क्या हुआ माँ? ओ माँ, प्रणाम पिताश्री। पुत्र कार्तिकेय, अब तुम्हारा दक्षिण प्रस्थान कर वहां अपने दायित्व निभाने का समय आ गया है। उमा, मुझे ज्ञात है पुत्र का जाना कितना कठिन है, किंतु कार्तिकेय कहीं नहीं जाएगा। उमा, मैंने कहा ना, कार्तिकेय अभी कहीं नहीं जाएगा। अभी बसंत उत्सव का समय निकट है। मेरी इच्छा है इस बार कैलाश में विधिवत रूप से होली का उत्सव आयोजित हो, होली का दहन हो। बस, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। पुत्र, तुम होली के उत्सव के बाद ही यहां से प्रस्थान करोगे। मां पिताश्री से इतने कठोर शब्दों में बात क्यों कर रही हैं? कर रही है माँ। मृत्यु को प्राप्त होगा, मृत्यु को बचेगा नहीं, नहीं बचेगा। Oh!
आप सभी अभी भी यहाँ हैं, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, भोजन समाप्त हो गया है तो तुम दोनों विश्राम करो। स्वामी आप भी, मैं आप सभी के विश्राम का प्रबंध करती हूँ। पिताश्री, माँ के इस असहज व्यवहार का क्या कारण है? मैं माँ को लेकर अत्यंत चिंतित हूँ पिताश्री। ये अचानक क्या हो जाता है उन्हें? कभी इतनी शांत और सौम्य रहती है और कभी इतनी कठोर क्यों हो जाती है? प्रभु, माता का इतना तीव्र स्वर सुनाई दिया तो देखने चले आए। प्रभु, माता कुशल तो है ना? क्या हुआ उन्हें प्रभु? कहीं चिंता का कोई कारण तो नहीं है? कुछ तो असामान्य अवश्य है। पिताश्री, ऐसा क्या देखा आपने जो आप भी विचार करने लगे? पापी असुर। अतुल, कौन था अतुल? अब तेलात में कौन था अतुल आतत्ता है? असुर, अभी जाकर अंत करता हूं उसका। पुत्र कार्तिकेय, अंत उन असुरों का हो चुका है तुम्हारी माता के द्वारा। कदाचित संपूर्ण दिवस इन असुरों से उत्पन्न संकट का आभास होता रहा है तुम्हारी माता को। यही कारण है उनके व्यवहार के बदलने का। मां ने उचित ही किया, दुष्ट दुस्साहसी असुरों का अंत ही उचित है। असुरों का अंत हो चुका है, तब तो माँ को शांत हो जाना चाहिए था, किंतु वो तो अभी भी अशांत है। कहीं ये असुर किसी अन्य संकट का संकेत तो नहीं? पुत्र, जिस शिलाखंड के वार से तुम्हारी मां ने उन असुरों का वध किया है, वो शिलाखंड पृथ्वी पर गिरने के बाद शिवलिंग के रूप में स्थापित हुआ है। क्योंकि वो शिलाखंड एक कंदुक के रूप में था, इसलिए यह शिवलिंग कंदुकेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात होगा, जिसकी पूजा करने वालों को उसके अक्षम्य पापों से मुक्ति प्राप्त होगी। पिताश्री, संसार में जब कोई बुराई भी छाती है तो आपकी और माँ की लीला से उस बुराई का अंत संपूर्ण जगत के लिए आशीष बनकर ही उभरता है।
पिताश्री को विचार में देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की अशांति के पीछे कोई और भी बड़ा कारण है और जिसका आभास उन्हें भी है। माँ का ऐसा व्यवहार तो मात्र असुरों के कारण नहीं हो सकता, कदाचित कोई और संकट घात लगाए बैठा है। उत्तर तो अवश्य प्राप्त होगा, कठोर उत्तर मृत्यु को प्राप्त होगा, मृत्यु को। माँ कुशल तो है ना, कदाचित मुझे जाकर देख लेना चाहिए। गणेश, क्या बात है, तुम इतने अशांत क्यों हो? तुम एकाग्र होकर ध्यान क्यों नहीं कर पा रहे हो? जब माँ शांत है तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ भैया, मुझे उनकी चिंता सता रही है। कल जैसा उनका व्यवहार था उससे स्पष्ट है कुछ तो अवश्य असहज हो रहा है उनके साथ, उनमें निरंतर परिवर्तन आता ही जा रहा है भैया। चिंता मत करो गणेश, कदाचित मुझे इसका कारण ज्ञात है। वास्तव में माँ नहीं चाहती हैं कि मैं कैलाश से दूर जाऊं। कल जब पिताश्री ने मेरे प्रस्थान की बात की तो स्नेहवश माँ विचलित हो उठी, किंतु अब मैं रुक गया हूं ना तो माँ पुनः सहज हो जाएंगी। जो कारण भैया बता रहे हैं वो तो पुत्र के लिए माँ का स्नेह है, किंतु उनका क्रोध जो रह रहकर जागृत हो रहा है उसका क्या कारण है? आओ अनुज गणेश, चिंता छोड़ो, ध्यान करते हैं। कदाचित आपका कथन सत्य ही होगा भैया, किंतु मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। माँ को देखे बिना, उनका कुशल ज्ञात किए बिना मेरी चिंता दूर नहीं हो सकती। माने तो मुझे सुना ही नहीं। माँ उत्तर क्यों नहीं दे रही है? मेरे पुकारने पर भी मुझे मुड़कर देख क्यों नहीं रही है माँ? माँ, क्या हो रहा है? ओम नमः शिवाय। माँ ने मुझे रोक क्यों दिया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्र, जब तुम आए तब मैं अपनी पूजा संपन्न कर रही थी। अरे क्या हुआ पुत्र, तुम्हें मुझसे कोई कार्य था क्या? और अभी तो तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुत्र, तुम मुझे एक तक ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया उचित ही कह रहे थे, माँ उन्हीं के प्रस्थान को लेकर चिंतित थीं। किंतु अब तो वो पूर्ण रूप से अपने सामान्य रूप में हैं, कुशल हैं, क्रोध लेश मात्र भी नहीं है उनके मुख पर। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। माँ, मैं होली के उत्सव को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। हाँ पुत्र, और तुम्हें उत्साहित होना भी चाहिए। इस बार हम बड़ी धूमधाम से कैलाश में होली का उत्सव मनाएंगे, और मेरी इच्छा है कि हम सभी को आमंत्रित कर उन्हें कैलाश में रंगोत्सव के लिए बुलाएं। अवश्य माँ। मेरे दोनों पुत्र मेरे साथ हैं, गणेश और कार्तिकेय से ही तो कैलाश की शोभा बढ़ती है। भैया तो है ही, किंतु मेरे कैलाश में होने से यहाँ कैलाश की शोभा सत्य में अद्भुत रहती है ना माँ? क्या हुआ माँ, क्या ढूंढने लगी आप? पुत्र, नंदी जी अभी फल तोड़कर यहाँ लाए थे, कदाचित मैंने उन्हें रसोई घर में रख दिया होगा। मैं अभी लेकर आती हूँ, फिर मुझे पूजा भी प्रारंभ करनी है। माँ रुकिए, माँ आप कष्ट क्यों कर रही हैं? आप यहीं रुकिए, मैं फल लेकर आता हूँ। मैं अभी गया और अभी आया। माँ तो पूर्ण रूप से कुशल हैं। भैया और पिताश्री उचित कह रहे थे, मैं अकारण ही चिंता कर रहा था। देखा माँ, मैंने कहा था ना, मैं अभी गया और अभी आया। माँ, माँ तो अभी यहीं थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? माँ, तोतला जी, आपने माँ को देखा क्या? नहीं, मैंने तो माता तो नहीं देता दनेदी। नंदी जी, नंदी जी, आपने माँ को कहीं देखा क्या? गणेश जी, माता तो इस समय पूजा कक्ष में ही होती हैं, वो वहीं होंगी। अब कहाँ ढूंढूं माँ को? माँ, माँ तो जलाभिषेक के लिए मानसरोवर से जल लेने जा रही हैं। जल भरने पर तो कलश भारी हो जाएगा, मैं जाकर माँ की सहायता करता हूँ। अचानक ये धुंध कहाँ से उत्पन्न हो गई? और ये धुंध मेरे और माँ के मध्य क्यों आ रही है? और माँ रुक क्यों नहीं रही है? माँ रुकिए ना, मैं भी आ रहा हूँ।
इस धुंध का प्रभाव तो और भी गहरा होता जा रहा है। मुझे शीघ्र माँ तक पहुँचना होगा। कदाचित माँ को पुकारने का कोई लाभ नहीं, मुझे बस उन तक पहुँचना चाहिए। माँ, कैसी ऊर्जा प्रवाहित हुई माँ के भीतर से? ईश्वर की कोई भी लीला अकारण नहीं होती, आवश्यकता है समझने की। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।